राम राम नमस्ते। तो आज मेरा गोविंद नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दूसरा दिन है और आज मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे मंदिर में गया था। तो यहाँ की एक खासियत ये है कि इस एरिया में कौरवों को पूजा जाता है। कौरवों और पांडवों का तो सबको पता ही है, हमारे देश में जो महाभारत हुई थी थे तो सारे भाई। तो और कहीं पूजा नहीं की जाती कौरवों की, लेकिन यहाँ ज़रूर की जाती है। यहाँ पे दुर्योधन जी के हर जगह मंदिर है और कर्ण महाराज को देवरा गांव में भी पूजते हैं और पूरे एरिया में पूजते हैं। तो आज हम अब सांकरी रेंज ख़त्म करके दूसरी रेंज में निकल जाएंगे। दूसरी रेंज पड़ती है रूपीन रेंज। तो आपने काफ़ी सुना होगा रूपीन पास ट्रैक, जो कि सांगला को निकलता है बुरांग घाटी। बाकी अब देखते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं हम यहाँ पे, और जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे। कल थोड़ा मौसम ख़राब था, वरना हम सोच रहे थे केदारकंठा जाएं बुग्याल में, बट बारिश लग गई है, मानसून का टाइम आ गया है, तो रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए काम भी करना है, ड्यूटी भी करनी है और एक्सप्लोर भी करना है। तो जो जो आएगा वो मैं दिखाता रहूँगा। बाकी यहाँ पे सांकरी रेंज में मैंने मार्टिन्स देखी, वो मेरी ज़िंदगी की पहली साइटिंग थी। हिमालयाज में पाई जाती है अपने कश्मीर से लेके सिक्किम तक। खाना आपने बहुत अच्छा बनाया। गांव का नाम क्या है इसका? अच्छा, लुटग्याड़। ये एंटी पोचिंग हट है यहाँ पे डिपार्टमेंट की। ये हिमाचल से आ रही है हमारे घर का। अच्छा, उस साइड है डोडरा के बाद। वहाँ पे भी गांव है ना? हाँ, बहुत अच्छा है, कोई जगह ज़्यादा डेवलप है। यहाँ बिल्कुल हिमाचल की बाउंड्री लगती है और ये है डोडरा क्वार गांव। डोडरा गांव है, ये हिमाचल में आता है। हम रूपीन रेंज के जो सबसे रिमोटेस्ट मतलब रेस्ट हाउस है वहाँ पे पहुँच रहे हैं अभी, तो मैं दिखाऊंगा उस रेस्ट हाउस को भी। बाकी रूपीन नदी काफ़ी सुंदर और बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पानी है और इसकी दो धाराएँ हैं, एक हिमाचल से आती है, एक उत्तराखंड से ऊपर से ही निकलती है। तो काफ़ी रिमोट एरिया में है आज हम, और रेस्ट हाउस के लिए भी काफ़ी पैदल चलना पड़ा है। तो बाकी बहुत सुंदर नज़ारा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जंगल के बीच। बिल्कुल तो आज मैं हूँ गोविंद नेशनल पार्क के रूपीन वैली में। रूपीन रेंज है, मतलब यहाँ तीन फॉरेस्ट रेंजेज हैं, तो उनमें से एक रेंज में हूँ रूपीन रेंज में, और ये है सट्टा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। रूपीन से जब हम अंदर की तरफ चलते हैं रूपीन रेंज के एरिया में, तो एक काफ़ी रिमोटेस्ट मैं बोलूँगा मतलब एरिया है ये रेस्ट हाउस, वहाँ पर है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है इसका, स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है इधर। और यहाँ पे ना बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने ब्लैक पैट्रीज देखा है, मतलब काला तितर देखे, वो भी तीन, मतलब अच्छी पॉपुलेशन है यहाँ पे। बाकी किंगफिशर भी देखा है, फ्लाई कैचर भी देखा है, मतलब काफ़ी बायोडाइवर्सिटी लगी मेरे को रूपीन वैली में। बर्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, अभी भी कोई पक्षी यहाँ आ गए हैं। बर्डिंग के लिए ना बहुत ही तगड़ी साइट है रूपीन वैली, बहुत ही तगड़ी।
मतलब इतनी मतलब डाइवर्सिटी दिख चुकी है मेरे को बर्ड्स की, बड़ा अच्छा ही लग रहा है। जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से बिल्कुल। रूपीन रेंज से सट्टा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मेरा। बाय बाय कर दो, बाय बाय। जीरो थे, अब अमीर हो ना।